नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज की कहानी जिस शख्स के बारे में है, उसके बारे में हो सकता है आज की पीढ़ी के लोग, नए लोग कम जानते हों, क्योंकि जितना लंबा उसका इतिहास है, उतनी ही ज्यादा उसके साथ जुड़े हुए कहानी किस्से। आज की तारीख में भले ही वो शख्स एक राजनेता हो और हाल के दिनों में उसके बारे में चर्चा शुरू हुई हो, लेकिन असलियत में उसका इतिहास इतना अलग अलग रंग का है, जिसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की एक बड़ी लिस्ट सामने आती है, जिसमें सबकी निगाहें टिक जाती हैं एक जिले पर। वो जिला है जौनपुर, जहां से माना जाता है कि धनंजय सिंह, जो राजनेता है, बाहुबली है, जिसके खिलाफ अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, वो चुनाव लड़ेगा तो जीत जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़े। उसने भी एड़ी चेटी का जोर लगा रखा था कि वो बीजेपी से टिकट पा करके इस बार चुनाव लड़े। धनंजय सिंह पहले सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और उस इलाके में अच्छा खासा दबदबा है। जौनपुर सीट एक ऐसी सीट है जहां पर पूर्वांचल की राजनीति केंद्रित रहती है, यानी पूर्वांचल के जो आसपास के तमाम जिले हैं वो जौनपुर के जिले से ही ड्राइव होते हैं, और वहां पर अगर किसी का दबदबा है तो वो है धनंजय सिंह। लेकिन जब लिस्ट देखी गई तो उसमें धनंजय सिंह का नाम है। अब चर्चा होने लगी कि धनंजय सिंह को अगर टिकट नहीं मिला है तो बीजेपी की आखिर रणनीति क्या है। वहां से टिकट दिया गया कृपा शंकर सिंह का, जो कि दरअसल महाराष्ट्र में राजनीति करते थे, और उनको इस बार लोकसभा का टिकट वहां पर दिया गया। लेकिन खबर अभी बड़ी नहीं हुई थी। खबर बड़ी तब हुई जब इस अनाउंसमेंट के बाद, इस लिस्ट के आने के बाद, धनंजय सिंह ने अगले दिन ये इशारा कर दिया साफ तौर पर कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनके समर्थकों ने नारा दिया कि अगर यहां से कोई जीतेगा तो वो धनंजय सिंह ही जीतेंगे। ये सीधा सीधा बीजेपी आला कमान को, बीजेपी पार्टी को, जिनकी केंद्र में सरकार है, उनको इशारा था कि चाहे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन धनंजय सिंह यहां से चुनाव लड़ेंगे। अचानक से चीजें इतनी तेजी में बदली कि कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले पता चला कि दो दिन बाद कोर्ट की एक तारीख है जिसमें धनंजय सिंह के खिलाफ मुकदमे का फैसला आना है, और वो मुकदमा था 2020 में एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अगवा करने, उससे फिरौती मांगने, उससे जबरन वसूली करने और धमकी देने का। मुकदमा चल रहा था, उसकी सुनवाई तारीखें सब हो रही थी, लेकिन अचानक से उसके फैसले की घड़ी आ गई, और फैसले की घड़ी में ये तय हो गया कि धनंजय सिंह इस मामले में दोषी है। आनन-फानन में जहां लोकसभा का चुनाव धनंजय लड़ने जा रहे थे, वहां उनको हिरासत में ले लिया जाता है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया कि दोष सिद्ध हो गया है, लिहाजा इनको हिरासत में लिया जाए और इसके बाद इनके ऊपर कितने साल की सजा होगी ये तय होगा। लेकिन इसी से साफ हो गया था कि अब धनंजय का जो भविष्य है वो अधर में है, और अगले दिन जब इस पर फैसला आया तो धनंजय को 7 साल की सजा हुई, यानी कि कानून के लिहाज से 7 साल की सजा जो उनको हुई, उसके चलते इस बार भी वो चुनाव नहीं लड़ सकते, और जब सजा पूरी कर लेंगे उसके 6 साल बाद भी चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी 7 और 6 13 साल धनंजय का सियासी करियर अंधेरे में चला गया। हालांकि कानूनी रास्ते अभी खाली खुले हैं, और उन कानूनी रास्तों के तहत अगर हाईकोर्ट उनको रिलीफ देता है, निचली कोर्ट की जो सजा है उसको कैंसिल करता है, या फिर कुछ ऐसी सजा करता है जिससे कि वो 2 साल से कम हो सजा, तो धनंजय को फायदा मिल सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि 7 साल की सजा को 2 साल से नीचे की सजा करना शायद कोर्ट के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जिन सबूतों, जिन बयानों, जिन गवाहियों के आधार पर धनंजय को सजा मिली है वो अपने आप में काफ़ी मजबूत है। बहरहाल, सियासी खेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये कानून का पलड़ा है और इसमें कानून तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर चीज़ें तय करता है। इस खबर के बाहर आने के बाद तमाम लोग सोचने लगे कि आखिरकार ये सियासी उलटफेर हुआ क्या। लेकिन उसमें बड़ा सवाल ये था कि कई लोगों के मन में सवाल था कि ये कौन धनंजय है, ये धनंजय सिंह इतना बड़ा कौन सा अपराधी, माफिया या फिर दबंग या फिर राजनेता है जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। तो आज हम आपको बताते हैं कि ये धनंजय सिंह दरअसल है कौन। धनंजय सिंह शुरू से माफिया नहीं था, लेकिन शुरुआत से ही पता चलना शुरू हो गया था कि इसका जो करियर है, जो जीवन है, वो किसी न किसी तरीके से दबंग के रूप में ही जाने वाला है। 15 साल की उम्र में सबसे पहले हत्या का आरोप लगा धनंजय सिंह पर। जौनपुर में एक
बेहद साधारण परिवार में धनंजय सिंह पैदा हुए थे, जिसमें उनके परिवार के लोग कहीं भी अपराध से वास्ता नहीं रखते थे। लेकिन 15 साल की उम्र में धनंजय पर पहला आरोप लगा, जिसमें हत्या का आरोप था, और 12वीं क्लास में धनंजय पढ़ रहे थे जब वो जेल में पहुंचे। लेकिन आज की तारीख में धनंजय के पास अरबों की संपत्ति है, सियासत में बाहुबली के नाम से जाना जाता है, और जौनपुर में राजनीति का इतना बड़ा नाम है कि उसके लिए बीजेपी ने तमाम किले बंदी कर दी थी। उत्तर प्रदेश का जिला जौनपुर, जो अक्सर अपराध की खबरों को लेकर जाना जाता है, जहां की पृष्ठभूमि में एक से बढ़कर एक अपराधी आते हैं, उसी जौनपुर में बच्चा बच्चा जिस नाम को जानता है वो है धनंजय सिंह। उत्तर प्रदेश में दबंगों की राजनीति में धनंजय की एक अलग पहचान है। धनंजय सिंह का जन्म बेशक जौनपुर में नहीं हुआ हो, लेकिन 1990 के बाद धनंजय सिंह का रिश्ता जौनपुर जिले से जुड़ गया। यहाँ पर तरह तरह के अवैध कारोबार या फिर नेता के रूप में जौनपुर से धनंजय का नाम जुड़ता चला गया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कानून के शिकंजे में इतनी बुरी तरह से धनंजय फंसे हैं, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी के अपहरण के मामले पर उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इससे पहले बहुत से मामले हुए जिसमें गवाह सामने भी नहीं आए, कोई शिकायत करने भी नहीं पहुंचा। हालांकि धनंजय सिंह पहले भी ऐसे अपराध में शामिल रहे हैं जिसमें धनंजय के ऊपर 50,000 तक का इनाम भी हो चुका है। खैर, 15 साल की उम्र में जब हत्या का मुकदमा लगा तो 12वीं क्लास में पढ़ते हुए धनंजय ने जेल से पहली बार एग्जाम दिया, और उसी समय तय हो गया था कि धनंजय सीधे साधे रास्ते पर चलने वाला नहीं है। साल 1975 में कोलकाता में धनंजय का जन्म हुआ था। 1990 से पहले उसका पूरा परिवार जौनपुर आ गया था और जौनपुर में ही रह करके अपने काम धंधे करने लगा था। जौनपुर में ही धनंजय ने पढ़ाई शुरू की, और 15 साल की उम्र में जो पहला आरोप लगाया वो एक टीचर की हत्या का आरोप लगा था। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल था और उसके टीचर गोविंद उनियाल की हत्या में एक 10वीं क्लास के दूसरे छात्र का भी नाम आया था और उसमें धनंजय का भी नाम आया। इतनी छोटी उम्र में हत्या के मुकदमे में नाम आने के बाद धनंजय का नाम पूरे जौनपुर में चर्चा में आ गया। हालांकि इस मामले में धनंजय के खिलाफ पुलिस कोई बहुत सबूत नहीं जुटा पाई, लेकिन अभी कुछ वक्त ही गुजरा था। 12वीं की क्लास जेल से देने के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद ही धनंजय ने एक और कारनामा कर दिया। धनंजय ने एक ऐसा अपराध किया जिसके बाद उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन ये समझ चुका था धनंजय, बेशक वो कलकत्ता में पैदा हुआ था लेकिन उत्तर प्रदेश में जातियों का दबदबा बहुत रहता है, जिसमें ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया, अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग ग्रुप बना करके अगर चलते हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा मजबूत मानते हैं। इसी सोच के साथ धनंजय ने ठाकुरों का गुट बनाना शुरू किया। हालांकि ये घटनाएं शुरुआत की तो बहुत ही शुरुआत ही थी, लेकिन धनंजय असलियत में डॉन बनने की ओर अग्रसर था। जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में धनंजय ने पढ़ाई करनी शुरू की तो वहाँ एक से एक दूसरे छात्र नेताओं से मुलाकात हुई, और वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई अभय सिंह से। अभय सिंह से मुलाकात होने के बाद धनंजय सिंह भी उसी के रास्ते में चलने लगा। जौनपुर से शुरू हुई दबंगई अब लखनऊ तक उसकी फैल चुकी थी। जो वहाँ छात्र पढ़ने आते थे या छात्र नेता थे, धनंजय और अभय के गुट से घबराते थे, क्योंकि बात बात पर झगड़ा करना, मारपीट देना, धमकी दे देना या हॉस्टल में बुलाकर पिटाई करना इन लोगों का रोज का काम था। बाद में अभय सिंह के साथ मिलकर के धनंजय ने रेलवे में ठेकेदारी करनी शुरू की। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में रेलवे की ठेकेदारी उस वक्त एक बड़ा ल्यूक्रेटिव बिजनेस माना जाता था, जिसमें दबंगई सबसे ज़्यादा चलती थी। उसमें कई ऐसे अपराधी शामिल थे, अपराधियों का नेटवर्क शामिल था, जो करोड़ों रुपए सिर्फ रेलवे की ठेकेदारी से बना रहे थे। उसमें कंस्ट्रक्शन से लेकर के स्क्रैप खरीदने से लेकर के और तमाम दूसरे इंतजाम करने के लिए ये लोग ठेके लेते थे और उसमें बेसाख्ता पैसे कमा रहे थे। लेकिन धनंजय के जीवन में अचानक से बदलाव तब आया जब उसकी अपने ही दोस्त अभय सिंह से लड़ाई हो गई। हालांकि लखनऊ आने के बाद धनंजय सिंह का सबसे करीबी अगर कोई शख्स था तो वो अभय सिंह था, लेकिन धीरे धीरे कामकाज को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के ठेके पट्टेदारी में धनंजय और अभय के बीच में झगड़ा हो गया, और 1997 तक धनंजय सिंह का गुट एक बहुत पावरफुल गुट बन गया था। इसी दौरान लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या में धनंजय का नाम आया। गोपाल शरण की दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के आरोप के बाद धनंजय सिंह को फरार होना पड़ा। पुलिस ने धनंजय पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया।
इससे पहले भी कई मामले धनंजय के खिलाफ दर्ज हो चुके थे। बड़ा नाम अपराध के इतिहास में बन चुका था। पुलिस वाले भी उसको तलाश रहे थे ताकि उसको पकड़ा जा सके, गिरफ्तार किया जा सके, लिहाजा लगातार दबिश दी जा रही थी। और रेलवे की ठेकेदारी करते करते धनंजय सिंह न सिर्फ माफिया बन चुका था बल्कि उसका नेटवर्क ऐसा था जो किसी की भी नहीं सुनता था, और पुलिस के लिए लगातार धनंजय सिरदर्द बनता जा रहा था। इसीलिए उसके सिर पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया और तय ये किया गया कि किसी भी समय उसको कैसे भी करके गिरफ्तार कर लिया जाए। उधर अभय से पैसे को लेकर के धनंजय सिंह की दूरी हो चुकी थी। दूसरी तरफ उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज था, लिहाजा वो फरार हो चुका था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। 1998 में एक घटना सामने आई जिसके बाद जौनपुर समेत पुलिस महकमे में धनंजय के जानने वालों में हड़कंप मच गया। दरअसल जानकारी ये आई कि पुलिस ने एक एनकाउंटर में धनंजय सिंह को और उनके साथियों को मार गिराया है। दरअसल धनंजय हत्या के आरोप के बाद फरार चल रहे थे और पुलिस उनको तलाश रही थी, और इसी दौरान पुलिस ने सूचना दी कि धनंजय का इनकाउंटर में मौत हो गई है। और पेट्रोल पंप पर जिस वक्त मौत हुई, जिस वक्त इनकाउंटर हुआ, बताया गया कि धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ पेट्रोल पंप पर लूट को अंजाम देने गया था। पुलिस की टीम वहां पहुंच गई, दोनों तरफ से गोलियां चली और इस एनकाउंटर में 4 लोग मारे गए, जिसमें माफिया डॉन धनंजय सिंह भी मार दिया गया। खूब वाहवाही हुई, मीडिया में खबर आई, अखबार में फोटो छपी, पुलिस वालों को अधिकारियों ने शाबाशी दी, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह कि 4 महीने बाद अचानक से धनंजय सिंह कोर्ट पहुंचता है सरेंडर करने, और उसने बताया कि उसकी मौत नहीं हुई बल्कि कोई और मारा गया है। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर छिछालेदर शुरू हो गई, के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए, कई जगह प्रदर्शन होने शुरू हो गए कि आखिरकार अगर धनंजय सिंह नहीं मारा गया तो इस पूरे मामले में मारा गया शख्स है कौन, यानी कि किसी अनजाने शख्स को जो कि शायद अपराधी भी नहीं था उसको पुलिस वालों ने मार दिया है। इस मामले में कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए, 34 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन धनंजय का इस तरह से जिंदा वापस आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि सब मान चुके थे कि धनंजय सिंह मर चुका है। इन घटनाओं के साथ साथ धनंजय का नाम बड़ा होता जा रहा था। अब अपराध की दुनिया से निकल करके धनंजय राजनीति में हाथ जमाना चाहता था, लिहाजा उसने साल 2002 में पहली बार चुनाव लड़ने का मन बनाया। धनंजय ने जौनपुर को ही अपनी सीट चुना और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। खास बात यह कि इस चुनाव में तमाम विरोध होने के बावजूद भी धनंजय ने अपनी सीट निकाल ली, उम्मीदवार के रूप में उसने अपनी सीट जीत ली। अब जौनपुर का सबसे बड़ा दबंग सियासी सफर पर था, उसके सामने नए लोग थे तो नए दुश्मन भी थे। धनंजय पहली बार जौनपुर से विधायक बना था और उसके पुराने दोस्त और दुश्मन अभय सिंह से उसकी अभी भी अदावत चल रही थी। इसी दौरान अभय सिंह का और धनंजय का आमना सामना हुआ। धनंजय सिंह के काफिले पर अभय सिंह ने गोली बरसानी शुरू कर दी। ये घटना बनारस के टकसाल सिनेमा के पास हुई। इस घटना में धनंजय के 4 साथी घायल हुए और इस घटना के बाद एक ऐसी गैंगवार शुरू हुई जिसमें दोनों गुटों के कई लोग मारे गए। पुलिस के लिए एक बार फिर से सिरदर्द शुरू हो गया था, लेकिन धनंजय चूंकि राजनीति में आ चुके थे इसलिए उतने खुले तौर पर न तो अपराध कर सकते थे और न ही कर रहे थे। लेकिन ये सब जानते हैं कि धनंजय का नेटवर्क, धनंजय का ग्रुप, उनका गुट, उनके तमाम सैकड़ों लोग अंडरग्राउंड होकर के भी अपराध की दुनिया में लिप्त थे। इसके बाद साल 2007 में एक बार फिर से जौनपुर से ही धनंजय सिंह ने चुनाव जीता। इस बार वो निषाद पार्टी से विधायक बने, लेकिन अब माफिया डॉन से विधायक बने धनंजय सिंह की नज़र दिल्ली की संसद पर थी, यानी वो विधायक से आगे बढ़ करके सांसद बनना चाहते थे। इस समय धनंजय ने 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए BSP का दामन थाम लिया। धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ा और यहाँ भी जीत गए, सांसद बन गए धनंजय सिंह BSP के टिकट पर। 2011 में मायावती से उनकी खटपट के बाद पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, और इसके बाद 2014 और 2017 में धनंजय सिंह ने चुनाव लड़े लेकिन दोबारा उनको जीत हासिल नहीं हुई। धनंजय सिंह ने अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत से ऐसे काम किए जो सवालों के घेरे में हैं, जिन पर चर्चा होती रहती है। साल 2011 के बाद बेशक धनंजय सिंह का राजनीतिक जीवन ज़्यादा ऊंचाइयों की तरफ नहीं जा रहा था, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन अलग ही तरीके से चल रहा था। पर्सनल लाइफ से लेकर आपराधिक मामलों में वो अक्सर विरोधियों के निशाने पर आ रहे थे। धनंजय ने 3 शादियां की और हमेशा खबरों में रहे,
धनंजय सिंह की पहली पत्नी मीनू सिंह की मौत शादी के सिर्फ 9 महीने बाद ही हो गई। उसके बाद साल 2009 में धनंजय ने जागृति सिंह से शादी की। जागृति ने 2012 में चुनाव भी लड़ा लेकिन वो अपनी सीट हार गई। जागृति सिंह ही वो थी जिन पर अपनी हाउस हेल्प के मर्डर का आरोप लगा और उसमें गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद धनंजय सिंह और जागृति के तलाक की खबरें आईं और दोनों की राहें 2017 से पहले अलग हो गईं। लेकिन 2017 साल आते आते धनंजय ने एक बार फिर से शादी करने का फैसला किया। इस बार हैदराबाद की हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाली श्रीकला रेड्डी उनकी पत्नी बनी और कुछ वक्त पहले ही श्रीकला ने जौनपुर में पंचायत का चुनाव जीता है। इसके बाद अभी कयास ये लगाया जा रहा था कि शायद श्रीकला एक्टिव राजनीति में पूरी तरह से आएंगी, लेकिन उससे पहले ही जो ये सब हुआ उसने बहुत ही बड़ा नुकसान धनंजय सिंह का किया। बहरहाल सियासत में आने के बाद भी अपराध का रास्ता धनंजय ने नहीं छोड़ा। कई बार उनके नाम को लेकर के तमाम अपराधों की बात सामने आती रहती है। इसके अलावा भी धनंजय को एक शौक था, बेहद महंगी लग्जरी गाड़ियां और तमाम तरह के गन रखना धनंजय सिंह को बेहद पसंद था। धनंजय सिंह को अमीर नेताओं की श्रेणी में गिना जाता है। कई बड़ी बड़ी कारों के अलावा फार्म हाउस, प्लॉट, जमीन, मकान और तमाम ऐसी चीजें इन लोगों के नाम हैं जो कि हैरान करती हैं कैसे एक सामान्य परिवार का इंसान आगे बढ़ करके इतनी ऊंचाई पर पैसे के मामले में पहुंचा। हालांकि श्रीकला रेड्डी एक बिजनेस फैमिली से आती हैं और उनकी फैमिली के पास भी बहुत सारा पैसा था, इसलिए चुनाव के वक्त जब श्रीकला रेड्डी और धनंजय सिंह ने नामांकन दाखिल किया तो लोग हैरान रह गए कि इतनी संपत्ति के मालिक ये लोग हैं। बहरहाल धनंजय सिंह का नाम चर्चा में हाल ही में नहीं आया। इससे पहले कई ऐसे मामले आए जिसमें धनंजय सिंह का नाम आया, चाहे उनकी पत्नी जागृति सिंह ने जब हाउस हेल्प की बुरी तरह से मारपीट कर हत्या की तब भी और उसके बाद भी शादी को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त है कि क्या धनंजय सिंह के लिए सियासी सफर खत्म हो गया है, क्योंकि धनंजय सिंह लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिल जाए और अगर नहीं मिलता तो वो समाजवादी पार्टी का भी दामन थाम सकते थे। लेकिन बीजेपी ने एक तरीके से कृपा शंकर सिंह को वहां से उतार करके साफ कर दिया कि ना सिर्फ जौनपुर में उनके लिए जगह नहीं है बल्कि बीजेपी में भी जगह नहीं है। और इसी के बाद धनंजय सिंह ने जो गलती की शायद उन पर भारी पड़ गई। वो गलती ये थी कि अगले ही दिन उन्होंने अपने समर्थकों के जरिए घोषणा करवा दी कि वो हर हाल में वहां पर चुनाव लड़ेंगे और इसी जानकारी के बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि अदालत से फैसला आया जिसमें साल 2020 के मामले में उनको दोषी करार दे दिया गया। हालांकि कानून के जरिए अभी रास्ता खुला हुआ है, उसमें हाई कोर्ट अगर उनको पूरी तरह से रिलीफ दे या उनकी सजा को 2 साल से कम कर दे तो उनके लिए सियासी सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जैसा रास्ता दिख रहा है वो बहुत साफ नहीं दिख रहा और जिस तरह की सजा है उसमें जब तक कोई फैसला आएगा या वो कोर्ट जाएंगे तब तक बहुत सारी चीजें हाथ से निकल चुकी होंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार धनंजय सिंह करेंगे क्या। जानकार बताते हैं कि धनंजय सिंह के सामने जीवन में ऐसी ऐसी मुश्किलें आई जिसमें एक तो जान पे बनाई, कई बार विरोधियों ने उन पर हमला कराया, कई बार उनके बिजनेस को ठप किया गया, रेट पड़ी और सरकार से भी तनातनी रही। लेकिन धनंजय सिंह ने अपनी रणनीति को लगातार दुरुस्त करने का काम किया। इस बार भी इशारा इस तरफ है कि हो सकता है बेशक धनंजय इस बार जेल में रहें लेकिन जेल में रहते हुए भी वो अपनी पत्नी को उसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा सकते हैं जहां पर उनको टिकट नहीं मिला। बहरहाल ये भविष्य के गर्त में है लेकिन साफ है कि अगर सियासी सफर जारी रखना है तो कोई ना कोई रणनीति तो अपनानी होगी, क्योंकि जिस तरह से अब उस पर अंधेरा छाया है धनंजय के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। लेकिन धनंजय को पूर्वांचल की राजनीति से अलग नहीं किया जाता, क्योंकि जानकार ये भी जानते हैं कि भले ही धनंजय जेल के भीतर हो लेकिन उसके सैकड़ों समर्थक, हजारों कार्यकर्ता और तमाम ऐसे नेटवर्क के लोग हैं जो आज भी जौनपुर में सियासत को असर डाल सकते हैं। बेशक कृपा शंकर सिंह वहां से टिकट पाकर चुनाव लड़ने जा रहे हों लेकिन बीजेपी को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, तमाम दूसरे दलों को अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, तब शायद जौनपुर में जो धनंजय सिंह की विरासत, जो दबदबा, जो उसकी पकड़ है, उससे आगे निकल करके वो जीत की ओर बढ़ पाएंगे और इसी जीत के बाद, इसी चुनाव के बाद तय होगा कि आखिरकार धनंजय का सियासी और बाकी सफर कैसा रहेगा। क्योंकि अगर धनंजय सिंह ने वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए कोई कवायद की, कोई रणनीति अपनाई या अपनी पत्नी को चुनाव के मैदान में उतारा तो साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के से उनकी सीधी सीधी अदावत है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके सियासी मंसूबों पर असर पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बार भी चुनाव नहीं लड़े तो 2 बार पहले चुनाव हार चुके हैं
और उसके बाद इस तरह के हालात में अगर वो सियासी मैदान पर नहीं उतरते हैं तो उनके लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। लेकिन बहरहाल जौनपुर की धरती पर जब तक सियासत चलेगी या अपराध का इतिहास रहेगा, धनंजय सिंह का नाम हमेशा लिया जाता रहेगा, क्योंकि केवल नेता ही नहीं, धनंजय सिंह की गिनती ऐसे लोगों में शुमार होती है जो न सिर्फ दबंग थे, माफिया थे, नेटवर्क वाले थे, बल्कि उनका अपना सिक्का चलता था उस इलाके में, और इसी वजह से धनंजय सिंह का नाम जौनपुर से हमेशा जुड़ा रहेगा। तो आज एक कहानी ऐसी भी है, कहानी जौनपुर के माफिया और राजनेता धनंजय सिंह के बारे में, जिसके बारे में आज की पीढ़ी शायद कम जानती हो, लेकिन जो इतिहास खंगाले हैं वो जानेंगे कि धनंजय सिंह कैसे एक सामान्य परिवार से आगे बढ़ करके अपराध के रास्ते पर गया, नेटवर्क वाला माफिया बना, उसके बाद राजनेता, और आज उसके ऊपर काली अंधेरी रात है जिसमें उसे जेल के भीतर रहना है, और अब देखना यह है कि कैसे वो इससे कानूनी लड़ाई लड़ता है। तो बहरहाल अगली बार किसी और हस्ती या किसी और खास खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।